ऑप्टिकल मार्क रीडर के बाद अब इसी तरह एक और डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स आर दी स्ट्रेंज लुकिंग नंबर्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ चेक्स करेक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक विच कंटेन्स आयरन ऑक्साइड द इंक इज मैगनेटाइज बिकॉज इट मेक्स इट इम्यून टू क्रीजेज और डर्टी मार्क्स This particular font is used because it is easy for a machine to discriminate between characters. Banks use an MICR reader to read the numbers from the bottom of checks. This is done to obtain data such as account numbers and bank sort codes. The advantage of this system is that it is fast and cuts out human error. Ab, MICR kya hota hai? आपको जो बैंक की चेकबुक मिलती है उसमें कुछ चेक्स होते हैं और उन चेक्स के जैसे कि यहाँ पे एक ए एस बी बैंक का चेक बना हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे तो इस चेक में जो नीचे आपको बॉटम पर ये कोड दिया हुआ है ये कुछ करेक्टर्स लिखे हुए हैं बॉटम पर ये वाले ये क्या हैं इनको कहते हैं एम आई सी ठीक है यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स अब ये एक स्पेशल इंक से एक मैगनेट मैगनेटिक इंक से लिखा गया होता है लिखे गए होते हैं करेक्टर्स और वो करैक्टर्स ये वाले होते हैं यानी ज़ीरो टू नाइन होते हैं और कुछ ये नीचे जो आपको सिंबल्स दिए हुए हैं इस तरह के ये करैक्टर्स होते हैं जो कि एम में इस्तेमाल होते हैं जो चेक्स में इस्तेमाल होते हैं बॉटम में तो uh, क्या होता है कि uh, जो एम होता है वो इस चेक को स्कैन करता है एम अब ये है ये डायग्राम एम की दी हुई है इसके अंदर जैसे जैसे आप लोग ए टी एम कार्ड्स या डेबिट कार्ड जो होता है जब शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर वो इंसर्ट करते हैं वैसे ही इस चेक को इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा एम आई सी आर के अंदर और ये जो एम आई सी होगा यानी जो करेक्टर्स होंगे उनको ये स्कैन करेगा क्या देखेगा कि ये जो डिजिट्स हैं इनका मतलब क्या होता है इनका मतलब होता है कि कुछ डिजिट्स जो हैं स्टार्ट वाले उनका मतलब होता है कि बैंक का नाम क्या है जो यूज़र जिसकी ये जिसका ये चेक है कि उस ये किस बैंक से बिलोंग करता है सिटी का नाम क्या है बैंक का नाम क्या है ब्रांच का नाम क्या है ये सब डाटा जो है इस इस इन करेक्टर्स से उसको मिल जाता है ठीक है तो एम आई सी आर ये होता है और एम आई सी आर का फायदा क्या है कि ये जो है फास्ट होता है और इसमें एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं बल्कि ना होने के बराबर होते हैं क्योंकि ये स्पेशल इंक से लिखे गए होते हैं करेक्टर्स और एम आई सी आर जो है वो एक अच्छी मशीन है जिसके थ्रू जो है आ, स्कैन किया जाता है तो आज का टॉपिक जो है पहला ऑप्टिकल मार्क रीडर था और बाद में हमने एम आई सी आर के बारे में पढ़ा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन तो उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ आई होगी आज के लेक्चर नंबर टू की तो इसकी रीडिंग आप लोगों ने करनी है और साथ में मैं आप लोगों को पिक्चर भेजूंगी कल वाले टॉपिक में से इनपुट डिवाइसिस में जो डायरेक्ट डाटा एंट्री की डेफिनेशन और साथ में बार कोड्स की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने सब बच्चों ने याद करनी है और काइंडली मुझे रिस्पॉन्स दें आप लोग सेवन क्लास कल सिर्फ एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया था तो काइंडली आप सब बच्चे एक्टिव रहें और ताकि मुझे पता रहे कि कितनों को समझ आ रही है टॉपिक की और कितनों को नहीं आ रही ताकि मैं मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ थैंक यू सो मच